माजी माजी कैसी हो माजी? बहू अजी सुनते हो, हमारी बहू गई है। सुखी रहो बेटी। ए जी पड़ोस से दूध लेकर आओ, बहू को भूख लगी होगी, आज खीर बनाएंगे। ठीक है मैं जाता हूँ, तुम तब तक चावल चढ़ा दो। बेटी तू अकेले कैसे आई? मेरा बेटा भेरू राम भी आया हुआ है क्या? माँ जी मैं उनसे मिलकर आई हूँ, मैं अब आपके पास ही रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि तेरा पति आया हुआ है। माँ जी शुक्र है भगवान का, मुझे समय से पहले ही पता चल गया, वरना कल मेरे माता पिता मुझे ससुराल भेज देते। बेटी भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है, और तेरे बिना भी घर सूना सूना था। माँ जी सुबह भोजन देने धुने पर मैं ही जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची। बेटी प्रेम बाई, बेटी प्रेम बाई, बेटी प्रेम बाई। बेटी प्रेम बाई, बेटी प्रेम बाई, बेटी प्रेम बाई। काका प्रेम भाई ने तो गजब कर दिया, कहाँ गई? क्या करूं बेटा, सारा गांव छान मारा, जंगल खेतों में हर जगह तलाश कर लिया, मेरी तो बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया। बेटी प्रेम भाई, बेटी प्रेम भाई। काका काका घर चलो काका, शाम हो चुकी है, घर पर जाकर आराम करो और फिर सोचते हैं काका कहाँ जा सकती है। स्वामी कहीं पता चला मेरी बेटी का? कहीं पता नहीं चला, मेरी तो समझ में ये भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसकी ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगा, कल बारात आ जाएगी मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। स्वामी प्रेम बाई हमारे दामाद को भूल ही नहीं पाई, हमेशा उसकी याद में डूबी रहती थी। है तो चिंता का विषय लेकिन क्या किया जाए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, प्रेम भाई की बारात कल आएगी और सारे गांव की बेइज्जती होगी अगर बारात आ गई तो। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? एक ही उपाय है, मैं उसकी ससुराल चला जाता हूँ और उनको इस घटना से अवगत करा देता हूँ, उनकी भी इज्जत बच जाएगी और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। ठीक है संतराम, तुम जाओ और इस बात को संभाल लो। स्वामी मैं भी अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, अब मुझे याद आया ज्ञान बाई को उसकी सहेली सावित्री बुलाकर ले गई थी, शायद उसे पता हो ज्ञान भाई कहाँ गई है। मैं जाती हूँ और पता लगा कर आती हूँ।
बेटी सावित्री। हाँ काकी। सच सच बता, ज्ञान भाई कहाँ गई है? तेरे साथ ही गई थी ना वो? काकी चिंता मत करो, वो अपनी ससुराल चली गई है। उसका पति भैरूराम वापस लौट आया है। क्या? हाँ काकी, अब तुम्हें उसके विषय में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, ये जोग लेने की बात उनके मन में कैसे आई? बेटी, ये बात तो जब पंडित जी से उनकी जन्मपत्री बनवाई उसी समय पंडित जी ने बतलाई कि ये बहुत बड़ा सिद्ध योगी बनेगा, इसीलिए इसकी शादी बचपन में ही हमने कर दी। माँ जी, मैं भी अपना जीवन उनके चरणों में बिताऊंगी। मुझे भी अपनी पत्नी न समझकर माता कहकर पुकारते हैं। बेटी, औरत का बिना पति के जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है। माँ जी, ईश्वर का लिखा लेख भी तो अटल है। मैं भी धूणे की सेवा में जीवन व्यतीत कर लूंगी। स्वामी। आ गई तुम? हाँ स्वामी। हे माई, आप मुझे स्वामी कह के न पुकारी, मेरा नाम गरीबनाथ है। स्वामी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप घर चलिए, आपके बगैर घर सूना सूना है और हमारे माता पिता भी आपके बिना दुखी हैं। स्वामी, आपको घर ले जाए बिना मैं भी घर नहीं जाऊंगी और इस धुणे में अपनी जान दे दूंगी। घर चलिए स्वामी, घर चलिए। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं इस संसार के मोह माया जाल से बाहर निकल चुका हूँ। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, नहीं जाऊंगा। कैसे चली जाऊं स्वामी? मैंने आपके साथ सात फेरे लिए हैं और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम योग में रहो या भोग में, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब घर चलिए स्वामी। I
जाओ तुम घर चले जाओ, तुम्हारे रोने और गिड़गड़ाने का मुझ पर कोई असर न होगा, जाओ चले जाओ। तो ठीक है स्वामी, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मुझे अपनी शिष्या बनाए, मैं आपकी शिष्या बनकर इस धुने की सेवा करूंगी। मैं प्रेम भाई से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा? हाँ, एक उपाय है, इसे मैं शमशान घाट जाने पर दिवस कर देता हूँ, ना ये शमशान घाट जाएगी और मैं इसे शिष्य बनाने के लिए भी मना कर दूंगा। हे माई, फिर एक काम करो, शमशान घाट से अग्नि ले आओ और धुने को चेतन करो। ठीक है स्वामी, मैं अभी जाती हूँ। ये तो शमशान घाट के नाम से बिल्कुल भी नहीं डरी, मुझे कुछ और ही करना होगा। Thank you.
जंगल के राजा, आप भूखे हो तो मेरा शरीर आपको अर्पित है। ये शरीर तो नाशवान है, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हे माई, तुम परीक्षा में सफल हुई। हे सिद्धयोगी, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं तो धन्य हो गई। आपने मेरे जीवन को सफल बना दिया। ठीक है, आज से तुम मेरी शिष्या रही और तुम्हें प्रेमनाथ के नाम से जाना जाएगा। कल सवेरे धुने पर आ जाना, हम तुम्हें दर्शन धारण कराएंगे। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, 20 वर्ष से आप कचहरी के चक्कर लगा रहे हो और इस मुकदमे का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। भाग्यवान, मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। पूर्वजों की जमीन है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? और कुछ इसका उपाय भी तो नहीं? इसका एक ही उपाय है। वो क्या है भाग्यवान? स्वामी, एक सिद्ध योगी गरीबनाथ जी हैं और दूर दूर तक उनके नाम के चर्चे हैं। आप उनकी शरण में जाओ, वे बड़े दयालु हैं, आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। महाराज की जय हो। सुखी रहो बच्चा। हे गुरुदेव, मेरा एक जमीन का मुकदमा बरसों से चल रहा है। 20 वर्ष से कचहरी के चक्कर लगाता लगाता मैं तो थक चुका हूँ। पैसा ढेला सब कुछ मुकदमे में चला गया। हे वत्स, मैं गुरु महाराज से तुम्हारे मुकदमे की विनती करूँगा। गुरु महाराज सब भली करेंगे। हे गुरुदेव, आपके नाम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। कितने भक्तों के आपने कष्ट दूर किए हैं, मुझ पर भी दया कर। जाओ बच्चा, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हे अंतर्यामी, आपकी सदैव जय रहेगी। वत्स, लो ये सिद्ध किया हुआ ताबीज है। कल प्रातः स्नान करके इसे गले में बांध लेना। गुरु महाराज का सदैव तुम्हारे सिर पर हाथ रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। भाग्यवान, बहू कहाँ गई? स्वामी, वो तो कल धोने पे गई थी, तब से वापस आई ही नहीं है। चलो मेरे साथ, धुने पर चलकर पता करते हैं। चलो। माताजी, पिताजी, वीराजो। बेटा, हम तो बहू का पता करने आए हैं। माता, आज इनकी परीक्षा थी, उसमें ये सफल रही। उसके पश्चात मैंने इनको अपना शिष्य बना लिया और अब इनका नाम प्रेमनाथ है।
अब ये मेरे साथ ही रहेंगे। बेटा, हमें तो तुम्हारे साधु बनने का ही बहुत अफसोस था, तुमने तो बहू को भी साधु बना दिया। पिताश्री, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर है। आप घर जाइए, ये प्रेमनाथ भगवा वस्त्र व दर्शन धारण कर चुका है, अब ये ईश्वर भक्ति में ही लीन रहेगा। ठीक है बेटा, जो प्रभु इच्छा। आ गए आप, क्या रहा आज तारीख का? भाग्यवान श्री श्री 1008 सिद्ध योगी गरीबनाथ की कृपा से हम जमीन का मुकदमा जीत गए। स्वामी, ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन मुझे भी कराओ ना। क्यों नहीं, जरूर। और मैंने तो ये भी सोचा है, जिस जमीन की हमने बिल्कुल आस छोड़ दी थी, वो सारी जमीन अब गुरुदेव की कृपा से हमारी हो गई है। क्यों न इस जमीन का कुछ हिस्सा हम सिद्ध योगी बाबा गरीबनाथ जी को भेंट कर दें। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। चलो आज ही चलते हैं, मैं भी उनके दर्शन कर लूंगी और इस पुण्य के भागी बन उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनो भाग्यवान, तुम क्या करोगी गुरुजी के पास? मैं ही जाता हूँ और गुरुजी को लेके आता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। आदेश गुरुदेव। सुखी रहो बच्चा, कुशल मंगल तो है बच्चा? गुरुदेव, कुशल मंगल है। ये लड्डू हैं, आपकी कृपा से जमीन का फैसला हमारे हक में हुआ। प्रेमनाथ, इस प्रसाद का धुने पर भोग लगाओ, ये सब कुछ गुरु महाराज की ही कृपा से संभव हुआ है। जी गुरुजी। देव, हमारे मन में एक बात है, यदि आपकी आज्ञा हो तो बताएं। कौन सी बात है भाई, ही संकोच बताइए। गुरुदेव जी, जिस जमीन की हमने आस ही छोड़ दी थी, वो आपकी कृपा से हमें मिली है, अतः है वो जमीन हम सहर प्रेम आपको भेंट करना चाहते हैं। कृपा इसे स्वीकार करें और यहाँ से प्रस्थान करके वहाँ धुना चेतन करें, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। भाई, हमने कौन से अपने लिए महल बनाने हैं? हम योगी तो समाज कल्याण के लिए देश प्रदेश में भ्रमण करते हैं। आप चलो, हम कल ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि बहता पानी और रमता जोगी ही अच्छा लगता है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। इस तरह से बाबा गरीबनाथ जी जमींदार की जमीन पर धूना लगा लेते हैं और वहाँ की चार दीवारी कराकर सुंदर बाग बगीचे लगाते हैं और उस जमीन को ब्राह्मणों में दान देकर खुद बावरियाँ की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ कुछ दिन धूना लगाकर फिर सामधागी पहाड़ी की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुरुजी आदेश।
हे बच्चा, कुशल तो हो, कहाँ से आए हो? हे गुरुदेव, मैं सामधा से आपकी शरण में आया हूँ। आने का कोई विषय तो होगा? हे गुरुदेव, मैं नहीं संतान हूँ, मुझ पर कृपा करो। सब गुरुदेव भला करेंगे। ये लो भभूत, माई को कह देना स्नान करके इसे ले ले। गुरुदेव, आपकी लीला अपरंपार है। शिष्य प्रेमनाथ जी, गुरुजी, गांव में जाओ और भिक्षा लेके आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मुन्ना, मुन्ना उठो ना, बोलो ना मुन्ना, कुछ तो बोलो। मेरा हाल रे।
हे माई, आप क्यों रो रही हैं? हे गुरुदेव, ना जाने मेरे बेटे का अचानक क्या हो गया, इसकी तो सांस ही नहीं आ रही। हे माई, आप तनिक दूर हटिए, इसको मैं देखता हूँ। हे गुरुदेव, मेरी विनती स्वीकार कीजिए और इस बच्चे में प्राण डाल दीजिए। अंतर्यामी है, आपने मेरे घर के चिराग को बचा लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। प्रेमनाथ, ये तुमने क्या किया? ये भगवान का बनाया नियम है, जो यहाँ आया है उसे जाना भी है। ये तुमने मुझसे क्या मांग लिया? आज ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर देता हूँ। आगे भविष्य में ध्यान रखना, ये सब प्रकृति का नियम है, इसे हम नहीं तोड़ सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुदेव, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। आदेश गुरुदेव। सुखी रहो खमान सिंह। गुरुदेव, आपकी दी हुई बबूत से मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। खमान सिंह, ये सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हुआ है। खमान सिंह, इतनी चढ़ाई चढ़ कर आते हो, तुम्हें तकलीफ तो होती होगी। गुरुदेव, या तो मेरा मकान धूने के पास आ जाए, या फिर आप अपना धूना मेरे गांव के पास लगा लो। खमान सिंह, तुम फिर भी गृहस्थी हो, हम ही वहां धुना लगा लेंगे। और सुनाओ, परिवार में सब कुशल तो है? गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल है। गुरुदेव, आपसे एक विनती है। निसंकोच कहिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं खमान सिंह, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। नहीं गुरुदेव, मैं आज आपको अपने घर अवश्य लेकर जाऊंगा। ठीक है, तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। प्रेमनाथ, मैं शाम तक लौटूंगा, तुम अपना नित्य कर्म करके धुने पर बैठ जाना। चलो खमान सिंह, चलते हैं। चलिए गुरुदेव। पहाड़ी पर पखंडी औरत कैसे आंखें बंद करे बैठी है। यार, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आई, इसने शादी करके अपना घर क्यों नहीं बसाया? हे चरित्रहीन दुष्टों, चले जाओ यहाँ से, वरना वरना तू क्या कर लेगी? मैं फिर कहती हूँ, यहाँ से चले जाओ, वरना 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 कहती रहेगी या कुछ करेगी? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ओह,
प्रेमनाथ, ये तुमने क्या किया? प्रेमनाथ, क्रोध को शांत करो। हे शिष्य, इतना क्रोध कैसे आया? हे गुरुदेव, जब इन दो दुष्टों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं अपने आपे में नहीं रहा। प्रेमनाथ, गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो। गुरुदेव, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। गुरुदेव, ठीक है बच्चा, जाओ, सदा खुश रहो, माफ किया, जाओ। प्रेमनाथ, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जो आ गया। चलो। गुरुदेव, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो? बच्चा, इस सामधा की पहाड़ी में हमारा इतना ही अंजल था, अब हम ये छोड़ के जा रहे हैं। इसमें बच्चा आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, बहता पानी और रमता जोगी ही अच्छा होता है। यहाँ पे हमारा अपमान हुआ है, यहाँ से हमें जाने दो। नहीं गुरुदेव, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अगर आप यहाँ से जाओगे तो मेरी लाश से गुजर के जाओगे। गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी दया से मेरे पास बहुत जमीन है। उस जमीन में जितने में चाहें आप वहां रह सकते हैं। गुरुदेव, उसमें धूना लगाओ। गुरुदेव, उसमें मंदिर बनवाओ। गुरुदेव, आश्रम बनवाओ। गुरुदेव, वो सब आपकी होगी। गुरुदेव, आपको वहां पे कोई कठिनाई नहीं होगी। गुरुदेव, आप मेरे साथ चलिए। गुरुदेव, उठो खमान सिंह, उठो, चलो चलते हैं। आओ प्रेमनाथ। इस तरह गरीबनाथ जी खमान सिंह की जमीन पर धुना लगाते हैं। आदेश गुरुदेव। आओ नंदराम, कुशल मंगल तो हो। तुम्हारे गांव उल्लास गिरोड़ी का क्या हाल है? गुरुदेव, मुंह मीठा करो। कोई विशेष खुशी है? हाँ गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य निकली, पोते ने जन्म लिया है। नंदराम, गुरु महाराज बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कवि तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली हो इंसान हो। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली हो इंसान हो। हर दम लगन है जिसमें तेरी, हर दम लगन है, हर दम लगन है, वही खुद ही तुझ पे मेहरबान होगा, बड़ा भाग्यशाली हो इंसान हो।
भाग्यशाली हो इंसान हो। पड़ेगा तब हैरान होगा बड़ा
मेरा भाग्यशाली हो इंसान होगा सुबह शाम जैसे को हर दान होगा बड़ा भाग्यशाली हो इंसान होगा एहसान होगा बड़ा भाग्यशाली हो इंसान होगा सुबह शाम जैसे को हर ध्यान होगा बड़ा भाग्यशाली हो इंसान होगा सुबह शाम जैसे को हर दान होगा बड़ा भाग्यशाली हो इंसान होगा सुबह शाम जैसे को हर दान होगा बड़ा भाग्यशाली भाई नंदराम क्या कर रहे हो गरीब नाथ के लिए मैंने रथ बनाना है बहुत बढ़िया भाई उसने पोते का वरदान दिया है मेरे को पोता हो गया मेरे पोता हो गया बहुत बढ़िया भाई अच्छा मैं चल रहा हूँ बच्चा प्रेमनाथ जी गुरुजी मेरा आज मन भरत हरि जाने का है गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलो ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो आदेश गुरुदेव आदेश नंदराम इस रथ को गुरुदेव मैंने बहुत श्रद्धा से बनाया है बड़े सही वक्त पर आए हो नंदराम आज हम प्रेमनाथ और मैं दोनों भरतरी के मेले में जा रहे हैं आप भरतहरि जा रहे हैं इस रथ में बैठ के जाएंगे तो मेरी भी जो है ना कामना पूरी हो जाएगी ठीक है नंदराम प्रेमनाथ गुरुदेव महाराज की कृपा से हमें रथ भी मिल गया गुरुदेव आदेश आओ नथु आओ बड़े वक्त पर आए हो गुरुदेव रथ तो नंदराम जी ने दे दिया है हाँ हाँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका गढ़वाला बनकर आपके साथ चलूं क्यों नहीं चलो नथुराम तुम भी हमारे साथ चलो आओ
ज्ञाननाथ, वो देखो छोटी जाति का पाखंडी साधु आ रहा है और ये आकर धूने पर बैठेगा। धूने पर कैसे बैठेगा, मैं इसको बैठने ही नहीं दूंगा। आदेश महाराज। आदेश के बच्चे, धूने से दूर रहो। लेकिन क्यों? क्यों जानते नहीं, ये भर्तरी का मंदिर है, इस धूने पर सिर्फ स्वर्ण जाति का साधु ही बैठ सकता है। हे नाथो, बहुत अज्ञानी हो। ईश्वर के घर में सभी एक समान हैं। ऊंच नीच भेदभाव तुम जैसे अज्ञानियों ने बनाया है। तुम जैसे पाखंडियों को तो ये चोला धारण भी नहीं करना चाहिए। तुम अपने आप को सिद्ध समझते हो, तो लो मैं इस ज्योति को बुझा देता हूँ। और इस समय मंदिर का दरवाजा भी बंद है। अगर अपने आप को सिद्ध मानते हो तो इस ज्योति को प्रज्वलित करो और मंदिर का दरवाजा खोलो। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम धूने पर बैठ सकते हो और मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। हे नाथो, अब तो मैं इस धूने पर बैठ सकता हूं। ये धूना तो तुमने चेतन कर दिया। हम तब मानेंगे जब तुम उस मंदिर का बंद दरवाजा खोलोगे। ठीक है नाथो, आओ चलो। ये दरवाजा खोलो तो माने हम। जय गुरुदेव। संसार सभी नस्वर है, फिर कैसा अभिमान रे बंदे, फिर कैसा अभिमान। ये संसार सभी नस्वर है, फिर कैसा अभिमान, ओ पगले फिर कैसा अभिमान। छोड़ के जग को वो भी चलती है, छोड़ के जग को वो भी चलती है, जो थे वीर पलवान किसी का या नहीं अभिमान, किसी का या नहीं अभिमान। आसमान पे उड़ने वालों, आसमान पे उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का या नहीं अभिमान,
किसी काराने अभिमान। दौलत का मान बुराए कहते वेद पुराण रे बंदे कहते वेद पुराण। धन दौलत का मान बुरा है कहते वेद पुराण रे पगले कहते वेद पुराण। रावण को अभिमानी देखो रावण तो अभिमानी देखो मिट गया नाम निशान किसी का राह नहीं अभिमान किसी का जाने अभिमान। आसमान पे उड़ने वो आसमान पे उड़ने वो धरती को पहचान किसी का जाने अभिमान किसी का जाने अभिमान। तीर्थ मस्जिद मंदिर ढूंढे किया ना इतना दान रे बंदे किया ना इतना ध्यान। तीर्थ मंदिर मस्जिद ढूंढे किया ना इतना दान रे पगले किया ना इतना ध्यान। दिल में वो भगवान बसाए दिल में वो भगवान बसाए हो सकते पहचान किसी का जाने अभिमान किसी का जाने अभिमान। आसमान पे उड़ने ओ आसमान पे उड़ने वो धरती को पहचान किसी का जाने अभिमान किसी का जाने अभिमान। हे अज्ञानियों, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। हे गरीब नाथ जी, हमें क्षमा करो, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। हमें नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े सिद्ध योगी हो। हे नाथो, कर्म से ही इंसान छोटा या बड़ा होता है। यहाँ धोने पर जो भी आता है उसका आदर सत्कार करना सीखो। आओ प्रेमनाथ, मंदिर में चल के भर्तृजी के दर्शन करते हैं।